अचानक युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के पास एक रहस्यमय व्यक्ति आया। उसका सिर झुका हुआ था और वो सिसकियां भर रहा था। उसने श्री कृष्ण को बताया कि शाल्व ने उनके पिता वसुदेव को बंदी बना लिया है। उतनी देर में शाल्व श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ। उसके हाथों में श्री कृष्ण के पिता वसुदेव दिख रहे थे। देखते ही देखते उसने अपनी तलवार उठाई और वसुदेव का सिर काट दिया और फिर वो उस सिर को लेकर आकाश में मंडराने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण शोकातूर हो गए। लेकिन अचानक ये सब क्या हो रहा था और कोई भगवान के पिता का वध कैसे कर सकता है? चलिए आज की कार्तिक मास कथा की अंतिम कड़ी में इसी रहस्य को उजागर करते हैं। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने सुना कि घायल प्रद्युम्न अब फिर से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो सभी यदु योद्धाओं में फिर से जोश भर गया। आते ही उसने द्युमान पर 8 तीर छोड़े। इसके द्वारा उसने द्युमान के सारथी और घोड़ों को मार गिराया, उसके धनुष तथा ध्वजा को काट दिया और फिर अंतिम तीर के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धीरे धीरे शाल्व के विमान में बैठे हुए सभी सैनिक अपने कटे हुए सिरों के साथ समुद्र में गिरने लगे। इस प्रकार प्रद्युम्न ने अत्यंत बहादुरी पूर्वक शाल्व के साथ भीषण युद्ध किया और ये युद्ध 27 दिनों तक चला। अब देखिए, जब ये युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। वे युधिष्ठिर महाराज के आग्रह पर इंद्रप्रस्थ में रुके हुए थे। लेकिन वहाँ पर अब श्री कृष्ण को कुछ बुरे अपशकुन दिखाई देने लगे। उन्होंने मन में ही विचार किया कि इस समय मैं द्वारिका से दूर हूँ। इस बात का लाभ उठाकर हो सकता है शिशुपाल के मित्र राजा द्वारिका पर आक्रमण ना कर रहे हों। ये सोचकर उन्होंने कुरु वृद्धों, ऋषियों और पांडवों से आज्ञा ली और अपने पुत्रों तथा रानियों के साथ द्वारिका वापस आने के लिए निकल पड़े। द्वारिका पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सभी द्वारिका वासी अत्यंत भयभीत हैं। चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा है। ये देखकर श्री कृष्ण ने बिना विलंब किए बलराम जी को द्वारिका नगरी की सुरक्षा का कार्यभार सौंपा और वे स्वयं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े युद्ध भूमि की ओर। उन्होंने अपने सारथी दारुक से कहा, हे सारथी, शीघ्र ही मेरे रथ को शाल्व के पास ले चलो। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें भी भ्रमित करें, हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही दारुक तीव्र गति से रथ को युद्ध भूमि में लेकर गए। गरुड़ ध्वजा को देखते ही सभी यदु योद्धा समझ गए कि आखिर श्री कृष्ण आ चुके हैं। जैसे ही शाल्व ने भगवान को देखा तो उसने अपना भाला घुमाकर उनकी ओर फेंका। उस भाले ने संपूर्ण आकाश को एक उल्का के समान प्रकाशित कर दिया था, परंतु वो भाला श्री कृष्ण के पास पहुँचे उससे पहले ही उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बदले में उसके सामने उन्होंने 16 बाण छोड़े। जैसे ही श्री कृष्ण ने शाल्व के विमान पर बाणों की बौछार करना शुरू किया, उतने में शाल्व ने भगवान की बाईं ओर इतना तीव्र प्रहार किया कि भगवान के हाथों से उनका शारंग धनुष छूटकर गिर गया। ये देखकर आकाश में सभी देवता निराश होकर त्राही त्राही पुकारने लगे और ये देखकर शाल्व जोर से गर्जना करते हुए बोलने लगा, अरे मूर्ख, मेरे सामने तूने मेरे मित्र शिशुपाल की दुल्हन का अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या भी कर दी। तू अपने आप को अजय समझता है ना? लेकिन जरा मेरे सामने कुछ समय खड़ा होकर तो दिखा। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से धराशायी कर दूंगा। शाल्व के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, वृथा त्वं कथसे मंद न पश्यस्यन्ति केन्तकम् पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः इति उक्त्वा भगवान् शाल्वं गदया भीमवेगया तथार्जत्रौ सरब्धः स चकम्पेवं मनःसृक। मूर्ख शाल्व, डिंगे हांकना बंद करो। जरा पहले अपने पास खड़ी हुई अपनी मृत्यु को तो देखो। सच्चे वीर मात्र बातें नहीं करते, बल्कि वे अपने बाहुबल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर शाल्व की हंसली पर इतना जोर से प्रहार किया कि वो खून की उल्टियां करने लगा। लेकिन भगवान उसके ऊपर दोबारा प्रहार करें उससे पहले ही वो अपनी मायावी शक्तियों द्वारा अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद एक रहस्यमय व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो सिसकियां ले रहा था। उसने श्री कृष्ण को बताया कि वो द्वारिका का संदेश वाहक है और फिर इस प्रकार कहने लगा,
हे श्री कृष्ण, तुम अपने माता पिता से इतना प्रेम करते हो, लेकिन शाल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बंदी बनाकर ले गया है जिस प्रकार एक कसाई पशु की हत्या करने के लिए उसे ले जाता है। दूत के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण शोक ग्रस्त हो गए। रोते हुए उन्होंने मन में विचार किया, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि शाल्व जैसा तुच्छ इंसान बलराम जी को पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर गया। बलराम जी को तो बड़े बड़े देवता और असुर भी परास्त नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे संभव हो पाया होगा? क्या पता, शायद नियति ही सबसे बलवान होगी। जब श्री कृष्ण एक सामान्य मनुष्य की तरह इस प्रकार शोक कर रहे थे, तभी शाल्व श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ। उसके हाथ में बिल्कुल वसुदेव जैसा ही एक व्यक्ति था। उसने श्री कृष्ण से कहा, अरे ओ कृष्ण, जरा देखो अपने पिता को, इनके लिए ही तुम इस संसार में जी रहे थे ना, अब ये देखो, आज मैं तुम्हारे सामने ही इनका वध करने जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो आओ, आके बचा लो इन्हें। इतना कहकर उस मायावी ने देखते ही देखते वसुदेव जैसे दिखने वाले व्यक्ति का अपनी तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उस सिर को अपने हाथ में लेकर अपने विमान में बैठ गया और आकाश में मंडराने लगा। अब देखिए, भगवान भी एक सामान्य मनुष्य जैसा ही व्यवहार कर रहे थे, इसलिए ये माया देखकर वे भी कुछ समय के लिए शोकातुर बन गए, लेकिन फिर वे थोड़ी ही देर में समझ गए कि आखिर ये सब शाल्व की माया थी जो कि उसने मय दानव से सीखी थी। आखिर उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और उतनी देर में उन्होंने देखा कि वो संदेशवाहक दूत गायब हो चुका था और न ही उनके पिता का मृत शरीर उस रणभूमि में पड़ा था। आकाश में सिर्फ शाल्व ही उड़ रहा था, उसके सिवा और कोई नहीं था। जब शाल्व ने श्री कृष्ण को इस प्रकार भ्रमित होता हुआ देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर अनेक गुना अधिक उत्साह से उन पर बाणों की बौछार करने लगा। लेकिन आखिरकार श्री कृष्ण ने सोचा कि अब बहुत हो गया खेल, अब उसका अंत करने का समय आ चुका है। ये सोचकर श्री कृष्ण ने अनेक बाणों की वर्षा उस पर की और उससे उन्होंने शाल्व का धनुष, कवच और मुकुट काट दिए। फिर उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसके विमान को तोड़कर चूर चूर कर दिया। उसका मलबा समुद्र में जा गिरा। विमान से नीचे आते ही शाल्व अपनी गदा घुमाते हुए श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। तभी भगवान ने उसकी भुजा काट दी और फिर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। भगवान की आज्ञा पाते ही प्रचंड सूर्य की भांति चमकता हुआ वो सुदर्शन चक्र वहाँ उपस्थित हो गया और देखते ही देखते उसने शाल्व के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर शाल्व की बची हुई सेना में त्राही त्राही पुकारती हुई भागने लगी और दूसरी ओर देवतागण आकाश में ढोल नगाड़े बजाते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। तो ये थी आज की हमारी अंतिम श्रीमद् भागवतम कथा। और आज का प्रश्न है, युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के पास आया हुआ वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था? आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इस संपूर्ण कार्तिक मास में आपने अत्यंत धैर्य पूर्वक और उत्साह के साथ श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं को सुना, उसके प्रश्नों के उत्तर दिए और इन वीडियोस को शेयर करके आपने अन्य लोगों को भी इसका लाभ दिया। इन सभी चीजों के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। ये आपके कमेंट्स द्वारा मिलने वाला आपका प्रेम और आशीर्वाद ही है जो हमें इस प्रकार एक मास की कथाएं सुनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्रतिदिन एक नई कथा और वो भी बिना किसी मिलावट के प्रमाणभूत शास्त्रों से लेकर आना, ये कार्य हमारी पूरी टीम के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपके उत्साह से हमें ऊर्जा मिलती है। आप में से कई श्रोताओं ने हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने में आर्थिक रूप से सहायता भी की है। उन सभी का हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। अगर आपने अभी तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया है लेकिन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अब देखिए, कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। इसलिए इस मास में हमने शुरुआत में ही अनेक संकल्प भी लिए थे और हम आशा करते हैं कि आपने उन्हें पूर्ण भी किया होगा। आपने इस मास में अगर कोई खाद्य पदार्थ छोड़ दिया था तो उस पदार्थ का दान करके आप इस कार्तिक व्रत की पूर्णाहुति कर सकते हैं और अंत में इस व्रत का पुण्य फल भगवान को अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्ति की ही याचना करिएगा, क्योंकि आपके जीवन और परिवार की समस्याएं तो एक न एक दिन सुलझ जाएगी, लेकिन ये जो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र की समस्या है वो नहीं होगी। इसलिए उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए और वो सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में ही छुपा हुआ है।
तो चलिए आज हम अपने इन कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथाओं को यहीं पर विराम देते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आने वाले दिसंबर मास में गीता जयंती यानी भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता का प्राकट्य उत्सव आने जा रहा है। तो अगर आप भी भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपके प्रतिभाव जरूर लिखकर भेजिएगा। प्रमाणभूत वैष्णवों का संग और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। जीवने मराणे गति अर नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। कालिंदीर कूले रतन वेदीर उपाय बसाबो दुजाना। श्याम गौरी अंगे दिवा चंदनेर गंधा चामर ढुलावे कबे हेरिब मुख चंद्र। गाथिया मालती माला दिव दोहार गाले अधरे तुलिया दिव कर्पूर तमूले। ललिता विशाखादि यत सखि वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरानुदास सेवा भिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा भिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा।